यार शिंचन आज तुम काफी ज्यादा लेट हो गए यार, काफी ज्यादा रात हो गई हमें यहाँ पे। अभी तक हम घर भी नहीं पहुंचे हैं यार, अभी तक ऊपर से भाई इतनी ज्यादा रात हो गई कि सड़क पे भी एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। अब तो हमें काफी ज्यादा रात होगी भाई, मूवी काफी ज्यादा लंबी थी। शिंचन मैंने तेको पहले ही बोला था इतनी लंबी मूवी हम नहीं देखते हैं, बट कोई बात नहीं यार, पर मूवी तो अच्छी थी। हाँ फ्रेंकली भैया, मूवी में तो काफी ज्यादा मजा आया, मतलब मजा ही आ गया यार भैया मूवी भी देखने में तो आज तो। तो बस यार शिंचन, अब हमें गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में भगानी पड़ेगी घर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। तो भाई शिंचन अब पकड़ के बैठियो सीट को, क्योंकि मैं गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में चलाने वाला हूँ। बस हमें एक लेफ्ट टर्न मारना है, स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे हमारे घर। ओ भाई साहब, ये बंदा कहाँ से आ गया सामने, एकदम से दिख गया भाई, मेरे से ब्रेक ही नहीं लगे गाड़ी के। शिंचन भाई मर गया मेरे ख्याल से तो वो बंदा। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमें वापस जाकर उस बंदे को एक बार देखना तो चाहिए, क्या पता वो जिंदा बच जाए, हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए फ्रैंकलिन भैया। हाँ शिंचन, देखते हैं एक बार बंदे को, क्या पता ये जिंदा बचेगा। भाई साहब कितना ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट था भाई, शिंचन मेरे ख्याल से तो मर ही गया ये बंदा, कैसे पड़ा भाई, हिल भी नहीं रहा, कितना ज्यादा खून लगा हुआ यहाँ पे भाई साहब। एंड देख शिंचन, गाड़ी के ब्रेक के भी निशान है यहाँ पे, मैंने ब्रेक मारने की पूरी कोशिश करी, यही बंदा बीच में खड़ा था भाई। शिंचन काफी ज्यादा खून पड़ा हुआ है यहाँ तो, मेरे ख्याल से तो ये बंदा मर गया, ये नहीं बचता भाई शिंचन अब तो। ऊपर से हमारी गाड़ी का शीशा भी भाई कितना ज्यादा टूट गया, काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर थे शिंचन ये। एक काम करते हैं शिंचन, छोड़ इसको यहाँ पे, हमें किसी ने देखा भी नहीं, एंड मेरे ख्याल से अब यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं आने वाली इतनी सुनसान रात में। बैठ गाड़ी में, फटाफट अपने घर निकलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ के बारे में। बैठ जाए शिंचन, फटाफट निकल जाते हैं बस यहाँ से। क्या हो गया आज ये जल्दी घर जाने के चक्कर में, अब गाड़ी धीरे धीरे चलाता हूँ, आराम से चलाता हूँ। हाँ फ्रैंकलिन भैया, अब आप धीरे चलाना, पता नहीं भाई क्या हो गया हमारे साथ, हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, हमें किसी ने देखा नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई, अब धीरे धीरे चला दो एंड घर पहुँच जाते हैं। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है फ्रैंकलिन भैया, अब ऊपर से शीशा भी टूट गया हमारी गाड़ी का, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात होगी फ्रैंकलिन भैया ये तो। शिंचन भाई तू चिंता मत कर, बस अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, मैं तुमको सही सलामत घर पे लेके जाता हूँ भाई। पता नहीं एकदम से क्या हो गया शिंचन, मैंने तो पूरे ब्रेक भी दबाए थे, ऊपर से मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है यार, इतने ज़्यादा बादल हो रखे हैं, मतलब पता नहीं यार शिंचन क्या हो गया ये। तो फाइनली भाई अभी हम घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए, मतलब शिंचन उठ जा, अब तो सो क्यों रहा था। तो गाइज अभी हम बस घर के पहुँच ही गए, हमें बस यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना है, ये मिट्टी वाला रास्ता पार करना है, एंड लेफ्ट में आ जाएगा हमारा घर। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, हमें घर तक आने में एक भी गाड़ी नहीं दिखी भाई साहब, लिटरली एक सिंगल गाड़ी भी नहीं दिखी हमें। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंड डरावना दिन था, हमारी पूरी गाड़ी पे आगे की साइड खून भी लगा हुआ है भाई साहब। फटाफट लेफ्ट में घर आके खड़ी कर देते अपनी गाड़ी को जो कि लैम्बो। तो शिंचन भाई उठ जा, तू गाड़ी को कर देते यहाँ पे खड़ा एंड चलते अपने घर में नीचे की साइड। तो गाइस अभी मैं और शिंचन दोनों गाड़ी पे से उतर चुके हैं भाई साहब, शिंचन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, मतलब पतली हालत हो गई हमारी गाड़ी की, तो पूरा शीशा टूट गया, पूरा लेफ्ट साइड में तो गाड़ी के ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है उस आदमी का भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था शिंचन। खैर छोड़, जो हो गया सो हो गया, किसी को पता नहीं लगेगा इस बारे में। आ जा नीचे घर, तो हम पहुँच ही गए, जाके बस सो जाते हैं अब तो सुबह उठने के बाद ही थकान दूर होगी हमारे शरीर पे से। क्यों भाई शिंचन, आ जा भाई, चल सो ही जाते हैं यार अब तो। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, आज जो हुआ उसकी वजह से तो मैं थक ही गया पूरा। उस गाड़ी वाले ने मेरे को उड़ा तो दिया, लेकिन उसने मेरे को चेक नहीं करा, मैं जब तक जिंदा था, अगर वो चाहता तो मेरे को बचा सकता था, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं करी। अब मैं आत्मा बन चुका हूँ, अब मैं उस आदमी के घर जाऊँगा एंड उस गाड़ी में घुस के, जिस गाड़ी से उसने मेरी जान ली है, मैं उस गाड़ी से पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। वो आदमी अब मेरे से नहीं बचेगा, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। लो मैं पहुंच गया उस गाड़ी के पास, अपने खून की खुशबू सूंघता सूंघता। अब बस मेरे को इस गाड़ी में घुसना है एंड फिर मेरी आत्मा इस गाड़ी के अंदर आ जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा मेरे से। मैं इस गाड़ी की मदद से पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा, इस आदमी को मार दूंगा, इस आदमी को मैं फंसा दूंगा, अब कोई नहीं बचने वाला मेरे से। लो मैं तो निकल गया अभी शहर का तबाह करने, अब फंसेगा वो आदमी क्योंकि गाड़ी तो उसकी है, बस मेरी आत्मा चला रही है ये गाड़ी, अब पूरे शहर में कोई भी नहीं बचेगा,
जैसे उन दोनों ने बेरहमी से मेरे को इस गाड़ी की मदद से मारा था, अब मैं भी पूरे शहर के लोगों को इसी गाड़ी की मदद से मारूंगा। अब लड़की तू नहीं बचेगी मेरे से, कोई नहीं बचेगा इस शहर में, मैं हर किसी को मार दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा मेरे से, सबको अपनी जान देनी पड़ेगी, सबको अपनी जान गंवानी पड़ेगी जैसे मैंने गंवाई थी अपनी जान। अब इस गाड़ी के ऊपर सिर्फ मेरा खून नहीं, इस शहर के हजारों लाखों करोड़ों लोगों का खून होगा। अब कोई नहीं बचेगा मेरे से, अब किसी को नहीं बच पाएगा। एंड फंसेंगे वो दोनों जिनकी ये गाड़ी है, पुलिस भी उनको मारेगी, सारे शहर के लोग भी उनको मारेंगे, एंड मैं भी उनको मार दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा मेरे से, ये बात कितना ज्यादा मजा आ रहा है। कोई नहीं बचेगा मेरे से, मैं सारे लोगों को मार दूंगा। एक गाड़ी वाले, तू क्या कर रहा है इतनी रात को यहाँ पे? तेरे को पता नहीं है इतनी रात को बाहर निकलना मना है? सरकार के आदेशों के तहत कोई बाहर नहीं निकल सकता रात को, इतनी लाइटें क्यों मार रहा है मेरे पे? मरना है क्या तेरे को? अरे इस गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा है, कौन चला रहा है इस गाड़ी को? आ मेरे को मार दिया इस गाड़ी ने, आ कितना ज्यादा मार दिया, कुचल भी रही है ये गाड़ी तो मेरे को। मैं अभी बताता हूँ इस गाड़ी को, एक गाड़ी एक बार खड़ा हो जाने दे बस मेरे को, फिर बताता हूँ मैं तेरे को, इतनी गोलियां मारूंगा तू तो बचने नहीं वाली मेरे से। किसकी गाड़ी है अभी मैं नंबर प्लेट से पता लगाता हूँ। आ मार दिया इस गाड़ी ने तो मेरे को, काफी ज्यादा मारा, नॉन स्टॉप मारे जा रही है, पता नहीं अब कहाँ जा रही है ये गाड़ी। आ बहुत दर्द हो रहा है मेरे को तो, अब ये गाड़ी वाले नहीं बचता मेरे से जिसकी भी गाड़ी है। ओ भाई साहब मेरी गाड़ी को भी मारी जा रही है, गाड़ी तो किसी को नहीं छोड़ रही है। मैं इस पुलिस वाले को नहीं सिर्फ इसकी गाड़ी को भी मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, मारूंगा मैं, एंड फंसेगा फ्रैंकलिन एंड वॉशिंगटन। अब कोई नहीं बचेगा मेरे से, मैं सबको मार दूंगा, पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा मेरे से। गाइस सुबह हो चुकी है, फ्रैंकलिन भैया अभी तक सो रहे हैं, एंड ये बाहर से इतना शोर आ रहा है, चलो मैं जाके देखता हूँ बाहर से इतना शोर क्यों आ रहा है, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए तो। अरे पुलिस भाई साहब, पुलिस क्यों आई है हमारे घर? लगता है इनको कल के बारे में सब पता चल गया। ए लड़के, तू ही है क्या फ्रैंकलिन क्लिंटन? तूने कल अपनी गाड़ी से हमारे सर को बड़ी बेरहमी से मारा है, तूने हमारे सीनियर ऑफिसर की जान ली है, तूने उसकी हत्या की है, अब तू नहीं बचने वाला। अरे सर मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं उसका छोटा भाई हूँ, वो तो मेरे बड़े भैया हैं, मैं अभी उनको बुला के लाता हूँ, नीचे ही हैं। अरे बाप रे क्या हो गया, लगता है इनको पता लग गया कि हमने कल रात को एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया था। जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को बुलाना पड़ेगा। गाइस ये शिनचैन बता रहा है कि ऊपर पुलिस आ रखी है, भाई साहब इनको लगता है इनको पता लग गया, पर पता नहीं शिनचैन क्या बता रहा है, किसी सीनियर ऑफिसर को भी मारा है मैंने, पता नहीं क्या कह रहे, बाहर चल के देखते हैं। भाई पुलिस तो सच्ची में आ रखी है यहाँ पे, क्या हो गया ऑफिसर? मैं ही हूँ फ्रैंकलिन क्लिंटन। अभी भी पूछ रहा है क्या हो गया? कल रात को तूने बेरहमी से हमारे सीनियर ऑफिसर के ऊपर अपनी ये रेड वाली गाड़ी चढ़ा चढ़ा के उनका मर्डर कर दिया है, तेरे को तो हम पकड़ के ले जाएंगे अभी, फिर बताते हैं तेरे को, तेरी तो ऐसी मार लगाएंगे अगली बार से किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने लायक नहीं बचेगा तू। तूने अपनी गाड़ी से कल कितनी बेरहमी से मारा हमारे सर को। अरे लगता है मेरे को ही जाना पड़ेगा इस फ्रैंकलिन क्लिंटन से बात करने, इन ऑफिसर के बस का तो कुछ भी नहीं। ए फ्रैंकलिन क्लिंटन, अब जो होगा पुलिस स्टेशन में होगा, चल बैठ गाड़ी में मेरी, अब मैं तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, बैठ जा मेरी गाड़ी में। इसी गाड़ी से तूने मेरे ऑफिसर को मारा था ना, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे मारते हैं, बैठ गाड़ी में तेरे को लेके चलता हूँ मैं। गाइस ये ऑफिसर तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है, ये सब तो मेरे को पकड़ के सीधा जेल में लेके जा रहे हैं। भाई शिनचैन को भी इन्होंने घर पे छोड़ दिया, एक ऑफिसर हमारी गाड़ी लेके आ रहा है, भाई पता नहीं क्या हो गया, अब तक तो ठीक चल रही थी वो गाड़ी, पता नहीं उस गाड़ी में ऐसा क्या हो गया कि उसने इतने सारे लोगों को मारा। भाई मेरे खिलाफ वारंट निकल गया पुलिस वालों का, मैंने तो किसी को मारा भी नहीं। मैं इस सर को सच सच बताता हूँ सर, सच सच बता देता हूँ मैं आपको,
कल मेरे से एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, पर मैंने आपके किसी ऑफिसर को नहीं मारा है। हुआ था मेरे से एक मर्डर, लेकिन वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था सर। मैंने आपके किसी ऑफिसर को जानबूझ के अपनी गाड़ी से बार बार नहीं कुचला है सर। मेरे को प्लीज छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। ओहो, इसका मतलब तूने किसी और आदमी को भी मारा है अपनी गाड़ी से कुचल के। अब तो तू नहीं बचने वाला बेटा, तेरे को तो कम से कम 10 साल की जेल होगी, एंड तेरी गाड़ी को भी सीज कर दिया जाएगा, एंड बाद में तेरी गाड़ी को क्रैश भी कर दिया जाएगा। अब तो बेटा तू नहीं बचने वाला, तू एक बार जेल पहुंच बस, वहां पे तेरे को इतना पीटेंगे जैसे कल तूने हमारे सर को मारा था ना गाड़ी से, वैसे ही अब तू भी नहीं बचने वाला। अब तू नहीं बचेगा मेरे से, अब कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। मैं सबको मार दूंगा, मैं इस गाड़ी की मदद से सबको मार दूंगा, एंड फंसेगा फ्रैंकली ने पुलिस वाले। अब तू भी नहीं बचेगा मेरे से, अब मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, मैं पूरे शहर के लोगों को मार दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा मेरे से, कोई भी नहीं बचेगा, पूरे शहर में सिर्फ मेरा राज होगा, एंड फंसेगा वो फ्रैंकलिन क्लिंटन एंड शिनचैन। अब कोई नहीं बचेगा, तुम दोनों भी मारे जाओगे मेरे से, एंड मेरे से कोई भी नहीं बचेगा। अब ये पूरा शहर खत्म हो जाएगा, बस यहाँ पे फिर किलर कार का राज होगा, एंड मैं बनूंगा इन किलर कार का राजा, एंड राज करूंगा इस शहर पे। अब कोई भी नहीं बचेगा, मैं सारे लोगों को मार दूंगा, इस शहर में से सारे लोगों का नाम और निशान मिट जाएगा। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, कोई भी नहीं बचेगा इनमें से, तो हा कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा मैं, कोई भी नहीं बचेगा मेरे से, एंड आखिर में अब लॉर्ड फ्रैंकलिन क्लिंटन को भी मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन पुलिस वालों से लेके आम जनता तक कोई भी नहीं बचेगा। ये जितने लोग दिख रहे हैं, आज इनका आखिरी दिन है लॉस सैंटोस में, कोई भी नहीं बचेगा फिर मेरे से। लो, तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मेरी कुचल, जैसे उस फ्रैंकलिन क्लिंटन ने मेरे को गाड़ी के नीचे कुचला था, अब मैं वैसे ही उसी गाड़ी से तुम सबको भी कुचल दूंगा। तुम में से कोई भी मेरे को बचाने नहीं आया जब मेरे को जरूरत थी, अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। ये जितने लोग दिख रहे हैं, आज इन सब का खून मेरी गाड़ी पे होगा, यानी कि फ्रैंकलिन क्लिंटन की गाड़ी पे, एंड फंसेगा वो फ्रैंकलिन क्लिंटन। उसको पुलिस वाले बहुत सजा देंगे, उसको बहुत पीटेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। अब वक्त आ चुका है उस फ्रैंकलिन क्लिंटन को भी मारने का। पुलिस वाले तो उसको सजा बाद में देंगे, लेकिन उसको पहले सजा तो मैं ही दूंगा, वो भी उसी की गाड़ी की मदद से, जिस गाड़ी से उसने मेरे को मारा। अब वो भी नहीं बचेगा। अरे ऑफिसर देखो, वो तो मेरी ही गाड़ी आ रही है, इसको कोई भी नहीं चला रहा, कितना तेज मारा इस गाड़ी ने तो मेरे को। ऐसी सर, इस गाड़ी ने शायद आपके ऑफिसर को मारा है, बचाओ मेरे को। कितना मार रही है गाड़ी मेरे को, सर भाग जाओ, आपको भी मार देगी। सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को, इस गाड़ी ने कितना ज्यादा मारा, पता नहीं कहाँ जा रही है, पता नहीं कितने लोगों को और मारेगी। इस गाड़ी के अंदर पता नहीं कोई बैठा ही नहीं हुआ, फिर भी ये गाड़ी चले जा रही है, पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई इस गाड़ी के अंदर, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को तो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कर देना वीडियो को लाइक, एंड ऐसे और पार्ट्स देखने के लिए कमेंट्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी कर देना। ओके गाइस, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के। बाय बाय।